जय भीम जय मूल निवासी एमएनटी न्यूज नेटवर्क में मैं शैला आपका स्वागत करती हूँ। सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने एक आवेदन दायर कर यह घोषित करने की मांग की है कि फुल बेंच द्वारा गुप्त मतदान के माध्यम से कुछ उच्च न्यायालयों द्वारा वरिष्ठ पदनाम यानी सीनियर डिजिग्नेशन प्रदान करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया मनमानी और भेदभावपूर्ण है। एडवोकेट इंदिरा जयसिंह का कहना है कि पदनाम की प्रक्रिया उन लोगों का चयन है जो पदनाम के योग्य है और इस तरह की योग्यता का निर्णय पूर्ण बेंच के वोट के आधार पर नहीं किया जा सकता क्योंकि यह किसी कार्यालय का चुनाव नहीं है। आवेदन में कहा गया है कि हाल ही में दिल्ली और पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालयों ने वरिष्ठ पदों को प्रदान करने के लिए मतदान प्रक्रिया का सहारा लिया। इंदिरा जयसिंह बनाम भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मामले में 2017 के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तैयार किए गए उद्देश्य मानदंड के आधार पर उच्च न्यायालयों की समिति द्वारा उम्मीदवारों को अंक दिए जाने के बाद भी ऐसा मतदान किया गया। यह सर्वोच्च न्यायालय के 2017 के फैसले के उद्देश्य को कम करता है जिसमें वरिष्ठ पदों में व्यक्ति परकता के तत्वों को सीमित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है। एडवोकेट इंदिरा जयसिंह के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि मतदान का सहारा केवल तब लेना चाहिए जब यह अपरिहार्य हो। उनकी चिंता प्रक्रिया में अधिकतम निष्पक्षता सुनिश्चित करना है। सीनियर एडवोकेट जयसिंह ने अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 55 वरिष्ठ पदनामों को प्रदान करने में अपनाई गई प्रक्रिया का उल्लेख किया है। 87 अधिवक्ताओं ने वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर समिति द्वारा निर्धारित कट ऑफ को पास किया था। हालांकि इन नामों को फिर से पूर्ण बेंच की गुप्त मतदान प्रक्रिया के अधीन किया गया जिसके परिणाम स्वरूप 32 उम्मीदवारों को बाहर कर दिया गया। आखिर मैडम एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने पूर्ण बेंच द्वारा मतदान प्रक्रिया पर आपत्ति क्यों जताई? क्या यह प्रक्रिया वाकई में इतनी चिंताजनक है? हमने इस मामले को एडवोकेट रविशंकर से समझने की कोशिश की। रवि प्रकाश सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है, आइए देखते हैं उनकी इस पर क्या विचार है। जय भीम जय मूल निवासी सर, सबसे पहले तो एमएनटी न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। हमें बताइए पूर्ण बेंच द्वारा लिए गए गुप्त मतदान से वरिष्ठ पदनाम प्रक्रिया को मैडम इंदिरा जयसिंह ने मनमाना और भेदभावपूर्ण माना है, क्या यह सही है? इस पदनाम प्रक्रिया से क्या परिणाम हो सकते हैं, इस पर जरा विस्तार से समझाइए। धन्यवाद। आपका जो सवाल है वो इंडियन लीगल सिस्टम और जुडिशियल सिस्टम से जुड़ा हुआ है जिसमें जो सीनियर एडवोकेट की जो डेजिग्नेशन होती है, जिसे आप वरिष्ठ एडवोकेट बोल रहे हैं, पदनाम का जो डेजिग्नेशन देती है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ एडवोकेट्स को, उस विषय पर मैडम इंदिरा जयसिंह जो सीनियर एडवोकेट भी हैं सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने 2017 में एक पटीशन डाली। पटीशन में उन्होंने क्वेश्चन और सवाल खड़े किए कि जो सीनियर डेजिग्नेशन का सिस्टम हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट फॉलो करते आ रही है वो एक क्लोज सिस्टम है, वो एक ओपेक सिस्टम है, उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नाम की चीज नहीं है। दूसरी बात उन्होंने कही कि सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन का जो प्रोसेस है उसके लिए कोई रूल्स रेगुलेशंस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने फ्रेम नहीं किया है। और तीसरी बात उन्होंने कहा कि ये डिस्क्रिशनरी जो सिस्टम है, जो जजेस इनवाइट करते हैं और खुद कुछ एक क्लास ऑफ एडवोकेट्स को सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेट कर देते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लेवल पे, वो इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दे रही है। सारे एडवोकेट्स उसके लिए क्वालिफाइड हो सकते हैं, जो एक प्रोसेस तो मैडम इंदिरा जयसिंह ने अपने पटिशन के थ्रू जो 2017 में उन्होंने डाले थे उससे उन्होंने एक सिस्टम की मांग की। There should be some system in the place for the designation of senior advocates. अब उस petition में उन्होंने सबसे बड़ी जो चार बिंदुओं पे जो मांग की थी वो थे कि transparency होनी चाहिए, accountability होनी चाहिए, merit को जगह मिलना चाहिए, और चौथा equal opportunity। क्योंकि ये judicial और legal system जो हमारे देश का चला रहा था वो कुछ particular class और तबके के लोगों के हाथों में आज़ादी से चले आ रही थी, क्योंकि पढ़ाई लिखाई उनकी एक प्रेरोगेटिव थी, उन्हें अपॉर्चुनिटी मिला था पढ़ने लिखने के लिए, तो उनके जो फोर फादर्स हुए और जो उनके
वो एडवोकेट्स बन वही एडवोकेट्स रहे हैं, वही जजेस रहे हैं। एक रिसर्च के अनुसार इंडिया में सिर्फ 250 फैमिली जो है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस उन्हीं की फैमिली से बिलोंग करती है। सो आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी देश में, इतने बड़े आबादी वाले देश में, इतने ज़्यादा जजेस होने के बाद भी, आज़ादी के 70 साल के बाद भी सिर्फ 250 फैमिली से ही जजेस आ रहे हैं, क्योंकि और सिस्टम में लोग आ रहे हैं। तो इसके इंदिरा जयसिंह ने 2017 के इस पिटीशन में इन्होंने सीनियर डेजिग्नेशन के सिस्टम को चैलेंज किया। उसका इफेक्ट ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट की पिटीशन और एक सिस्टम और ट्रांसपेरेंसी लाने का कोशिश किया। उस ट्रांसपेरेंसी और उस सिस्टम के कॉन्सेप्ट में और कॉन्टेक्स्ट में ये कह सकते हैं कि आज के प्रोसेस में जो 2021 में अगर सीनियर डेजिग्नेशन का प्रोसेस अगर शुरू होता है तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को एप्लीकेशन इनवाइट करना पड़ता है एक पर्टिकुलर अपने एडवोकेट से। दूसरा, उस जब एडवोकेट्स एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फॉर द कि हमें सीनियर डेजिग्नेट किया जाए, तो उस एप्लीकेशन का इवैल्यूएशन होता है। इवैल्यूएशन में कुछ क्राइटेरिया सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट किया है और कुछ हाई कोर्ट्स को पावर दिए हैं कि वो लोग भी अपना डेवलप कर सकते हैं और हाई कोर्ट भी डेवलप कर सकती है। तो जो इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है वो ये है कि आप कितने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, दूसरा कितने केसेस में रिप्रेजेंट किए हैं क्लाइंट्स को, तीसरा कितने रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं, चौथा क्या आपने कोई प्रो बोनो काम किया है। प्रो बोनो मीन्स आपने कोई बिना फीस का गरीबों को और जो डिप्रेस्ड क्लास है, जो ऑप्रेस्ड क्लास है, जो गरीब डाउन टू रोजन क्लास है, जो सोसाइटी के गरीब हैं, दबे कुचले हैं, उन्हें कोई जस्टिस दिलाने के लिए कोई पटिशन फाइल किया है। अगर किया है तो उसका अलग से पॉइंट है। चौथा, जो आपने कोई आर्टिकल या स्कॉलरली वर्क किया है, बुक्स लिखे हैं, आर्टिकल लिखे हैं या नहीं लिखे हैं लीगल सिस्टम पे या किसी भी लीगल टॉपिक पे या पॉलिटिकल टॉपिक पे, जिससे आपका नॉलेज अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा मेजर किया जाए। चौथा, आपका लीगल एजुकेशन के तरफ क्या कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि आप एक एडवोकेट हैं, आप एक सीनियर एडवोकेट बनने की के लिए एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं, आपका लीगल एजुकेशन और लीगल सिस्टम के तरफ क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है ओवरऑल। अब ये एप्लीकेशन के इवेल्युएशन के बाद एडवोकेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। तो शॉर्टलिस्टिंग तक तो हमें पता चल जाता है कि जो क्या प्रोसेस है और हमारी एक एप्लीकेंट की क्या चांसेस हैं और क्या कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं या कितने पॉइंट्स नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि ये सारे क्राइटेरिया पे अपने आप को कोई भी एक कैंडिडेट और एप्लीकेंट इवेल्युएट कर सकता है। इसके बाद हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट को ऑब्जेक्शन इनवाइट करना होता है या पब्लिक कमेंट इनवाइट करना होता है शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स पे। अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट वो कमेंट और पब्लिक ओपिनियन को कैसे डील करती है, कैसे ट्रीट करती है, इसके बारे में अभी तक कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं बना है कि कोई पब्लिक ओपिनियन या कमेंट या ऑब्जेक्शन के बेसिस पे किसी कैंडिडेट का एप्लीकेशन वो कैंसिल कर सकती है, ना कंसिडर कर सकती है, या सारे उसके बावजूद भी, ऑब्जेक्शन के बावजूद भी सारे एप्लीकेशन कंसिडर होंगे कि नहीं होंगे, इसके बारे में कोई अभी रूल नियम कानून नहीं बने हुए हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी पिछले साल जो डेजिग्नेशन का सीनियर एडवोकेट का डेजिग्नेशन किया था और हाई कोर्ट्स ने डेजिग्नेशन किए हैं, उसमें फिर कैंडिडेट्स से मीटिंग करती है और मीटिंग के बाद फुल कोर्ट मतलब सारे जजेस उस पर्टिकुलर कोर्ट के, जो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट है, उसके सारे सीक्रेट वोटिंग करते हैं और सीक्रेट वोटिंग के बेसिस पे फाइनल डेजिग्नेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। फिर उनका नाम अनाउंस किया जाता है कि हाँ, आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल रहा और आप सीनियर एडवोकेट इस पर्टिकुलर हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से डेजिग्नेट हो गए हैं। ये है मैडम इंदिरा जयसिंह की पटिशन का परिणाम, जो एक सिस्टम ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी लाने की कोशिश उन्होंने की थी। इसके बेसिस पे सारे हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट ने रूल्स बनाए और अभी प्रेजेंट जो सिस्टम ऑफ डेजिग्नेशन है, सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन है,
वो इसके बेसिस पे चल रहा है। मैडम इंदिरा जैसी ने अभी रिसेंटली एक और एप्लीकेशन फाइल की है जिसमें उन्होंने दो चीजों को क्वेश्चन किया है। पहला कि आप ये सीक्रेट वोटिंग, जो फुल कोर्ट की सीक्रेट वोटिंग होती है, वो कैसे होती है और उसके क्या नियम कानून है। अगर कोई एक जज निगेटिव वोट डालता है तो क्या वो कैंडिडेट का एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है, या यू फॉलो द, या आप मेजोरिटी का प्रिंसिपल फॉलो करते हैं कि यस आउट ऑफ 30 जजेस 30 जजेस में से अगर 16 जजेस हाँ बोल दिए तो उसका डेजिग्नेशन उस एप्लीकेंट का या उस कैंडिडेट का या उस एडवोकेट का डेजिग्नेशन क्लियर हो जाएगा। इसके बारे में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। तो मैडम इंदिरा जैसी, और ये भी एक्सपीरियंस के बेसिस पे, क्योंकि कुछ हाई कोर्ट्स ने अभी जो फिलहाल जो डेजिग्नेशन किए हैं उसमें ये सुनने में आया है कि हाई कोर्ट्स सारे एप्लीकेंट्स को शॉर्टलिस्ट करके और एक आंख मूंद करके सारे को डेजिग्नेट, सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेट कर दिया, या कुछ सेलेक्टेड लोगों को रिजेक्ट कर दिया। और वो सिलेक्शन का और रिजेक्शन का जो क्राइटेरिया है वो बहुत ट्रेडिशनल जो सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है या ट्रेडिशनल पैटर्न ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, कास्ट रिलीजन, वो सबसे मिलता जुलता है। तो मैडम इंदिरा जयसिंह के जो अप्लीकेशन का प्रोसेस है वो एक इक्वल अपॉर्चुनिटी, सभी को अपॉर्चुनिटी दिलाने के लिए एक कोशिश है, ताकि जो मेरिटेरियस और जो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, जो अभी तक जिनका रिप्रेजेंटेशन सीनियर एडवोकेट्स में या जुडिशियल सिस्टम में या लीगल सिस्टम में नहीं रहा है, उन्हें उनका पोजीशन एज पर नॉलेज, एज पर अंडरस्टैंडिंग, एज पर एक्सपीरियंस और एज पर उनकी कैपेबिलिटी, उन्हें सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेट किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमें ये जानकारी देने के लिए। थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया लिखें। मूल निवासी बहुजनों से जुड़ी अन्य खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल और Facebook चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय भीम, जय मूल निवासी।